Assalamualaikum, class 10. In the last lecture, we were studying about the organic chemistry, and in that chapter, we were discussing the topic of isomerism. Now, what happens in isomerism? That हमने last time definition भी इसकी पढ़ी थी. दोबारा revise कर लेते हैं. That isomerisms are the compounds. Isomerism जो है वो कहाँ पर होती है? The compounds having the same molecular formula. बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो. सच कंपाउंड्स आर नोन एज टू बी द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज टू बी दैट ऑफ आइसोमेरिज्म. अब आपके पास मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है? कि मॉलिकुलर फार्मूला इज बेसिकली द नंबर, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड के जब नंबर ऑफ एटम्स की बात आ जाती है तो दैट इज़ नोन एज टू बी द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड. फिर स्ट्रक्चर फार्मूला, जो आपको उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर आप उसको देख सकते हैं, जिसको आप अपनी नेकेड आई से देखते हैं स्ट्रक्चर को, या आप कह लें कि उसकी डायग्राम को जो आप देखते हैं फिजिकली, तो दैट इज़ नोन एज टू बी द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड और ऑफ दैट कंपाउंड. उसके बाद आपके पास आ जाता है कि हम इसके अंदर पढ़ रहे थे बेसिकली कि C4H10 के स्ट्रक्चर को, C4H10 के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे थे. और उसके अंदर हमने देखा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, हमें जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है उसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होंगे, हम सबसे पहले उसकी एक स्ट्रेट चेन बनाएंगे. C4H10 के कंपाउंड के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने एक स्ट्रेट चेन बनानी है. स्ट्रेट चेन बनाएंगे कैसे? बनाएंगे आपके सबसे पहले आपके पास यहाँ पर देखें, आपके पास नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम कितना है? नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम जो यहाँ पर गिवन है दैट इज़ इक्वल्स टू 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट है. सबसे पहले क्या करें, 4 कार्बन आइटम की स्ट्रेट चेन बना लें. 1 ये बॉन्ड अभी ना लगाएगा, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपका बन गया 4 कार्बन आइटम्स का एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. अब आप क्या करें कि इसके बाद आपको ये बात एक पता है कि कार्बन की जो है वो आपकी टेट्रावेलेंसी होती है. कार्बन की टेट्रावेलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन हमेशा आपका ऑलवेज इट विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स, हमेशा ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो ही इसकी वैलेंसी जो है ऑक्टेट की वैलेंसी कंप्लीट होगी. अब 4 बॉन्ड ही कैसे बनाता है? कि कार्बन टू कार्बन एक सिंगल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, वेराज इसके अलावा कार्बन जो है वो अपने जो साइड्स पे जितनी भी स्पेसेस प्रेजेंट है उसमें मज़ीद बॉन्डिंग करने के बाद अपना टेट्रावेलेंसी को कम्प्लीट करता है. और बॉन्डिंग वो किस आइटम के साथ करेगा? वो हाइड्रोजन आइटम के साथ करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कितने यहाँ प्रोवाइडेड हैं? 10 हाइड्रोजन आइटम्स जो हैं दे आर प्रोवाइडेड, एंड यू हैव टू कम्प्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन आइटम यूजिंग दीज 10 हाइड्रोजन आइटम्स. कैसे करेंगे? इस कार्बन को देखें, कार्बन नंबर 2 के साथ ये एक बॉन्ड बना रहा है, इट मीन्स इसकी 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है. 1, 2, 3 की और जगह है जो सेटिस्फाई होना लाजमी है सो दैट इस कार्बन आइटम की टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए. तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे. और अब बॉन्ड काउंट करें, 1, 2, 3 एंड 4. सो कार्बन नंबर 1 हैज़ अ कम्प्लीट टेट्रा वैलेंसी. Now move on to carbon number 2. Carbon number 2 is forming 2 bonds on both sides, one with C3 and one with C1. 2 spaces are left behind, so you are going to put in 2 hydrogen atoms and the 4 valencies of this carbon atom are also getting satisfied. 1, 2, 3 and 4. Similar is the case with C3. 2 bonds it is forming with C2 and C4, and there are 2 vacancies available or 2 places where you can put in hydrogen atom so that this carbon atom is also satisfying its 4 valencies, 1, 2, 3 and 4. And now come towards the C4. It is forming only 1 bond with C3 and it needs 3 more bonds to complete its valency. So we are going to put in 3 hydrogen atoms so that this carbon atoms this carbon atom can satisfy its 4 valencies. Now count the number of hydrogen atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So these 10 hydrogen atoms are completed over here. That indicates that this is basically a structure फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड C4H10. ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, क्योंकि आपने इसके स्ट्रक्चर को खोल के वेल डिस्क्राइब करके बताया है. तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर C4H10. अब आपके पास जो है वो इसकी नेमिंग एक इन्होंने यहाँ पे की हुई है, दैट इज़ एन ब्यूटेन. एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, एन जो है वो नॉर्मल के लिए होती है, या फिर आप इसको कहते हैं स्ट्रेट के लिए. आप इसके इस एन को जो है वो
यूज़ करते हैं। जब भी कोई चेन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती है वो नॉर्मल चेन कहलाती है। जैसे आपके पास ही एक ही लाइन के अंदर, एक ही हॉरिजॉन्टल रो के अंदर जो है वो आपकी कार्बन चेन बन रही है, तो दैट इज़ एन एन चेन एंड इट इज़ अ नॉर्मल, या फिर आप इसको स्ट्रेट चेन कहते हैं। अब इसमें एक पूरा वर्ड यूज़ हुआ है ब्यूट एन का, ये बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ब्यूट एंड एन। ब्यूट जो है दैट रिप्रेजेंट्स द कार्बन नंबर, नंबर ऑफ कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज़ इक्वल्स टू 4, वेर एज एन जो है दैट स्टैंड्स फॉर अल्केन, दैट इंडिकेट्स दैट देर इज़ अ सिंगल बॉन्ड दैट इज़ एग्जिस्टिंग बिटवीन टू कार्बन आइटम। आप आगे जा कर जो है वो डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, दैट इंडिकेट्स जिसका अपना अपना जो है वो एक मतलब है कि एक सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन है। सो यहाँ पर जो है वो इसका जो इस चेन का नेम है दैट इज़ एन ब्यूट एन, एन नॉर्मल, ब्यूट दैट रिप्रेजेंट्स अ कार्बन नंबर 4, दैट इज़ वाई इट हैज़ अ टर्म ब्यूट, एंड एन मीन्स अल्केन। सो अल्केन का भी मतलब अल्केन क्यों, क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम्स, दैट इज़ वाई इसको हम कह रहे हैं ब्यूट एन। 4 कार्बन एटम्स है ब्यूट एन, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन टू कार्बन, एंड एन इट इज़ अ स्ट्रेट चेन। यू आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेंबर दैट जब भी आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की बात करनी है, यू आर ऑलवेज गोइंग टू डील विद द कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स, हमेशा आप कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स की ही बात करेंगे, कभी भी आप उसके साइड वाले एटम्स की बात नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। अभी जब आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की बात करनी है तो हमेशा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू वर्ड्स, ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, नाउ लेट्स मूव टू वर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। अब हम ये देखेंगे कि इसमें आइसोमर बनता कैसे है। एक आपकी बुक में जो है वो सिंपल एक आइसोमर बताया हुआ है उन्होंने एन ब्यूटेन का, इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने इसी का एक आइसोमर बनाना है। आइसोमर बनेगा उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स दोनों जगह पे सेम है, C4H10। इसी को यूज़ करते हुए, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इसी का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताएंगे। इसके अलावा ये तो आपका स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया, हम इसका एक कंडेंस्ड फार्मूला भी लिखते हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखते हैं, कार्बन टू कार्बन आप पहले स्ट्रेट चेन, अगेन 4 कार्बन आइटम्स से उसकी स्ट्रेट चेन बनाएं, उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स इसके साथ अटैच हैं आप इसके साथ लिखते जाएं। सी के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, एच के साथ 2 हाइड्रोजन, इस वाले सी के साथ 2 हाइड्रोजन, और लास्ट वाले कार्बन के साथ अगेन 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। सो दिस इज़ अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर एन ब्यूटेन। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था दैट वॉज द स्ट्रक्चर फार्मूला, ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला, वेर एज जो नीचे आपने अभी लिखा है जिसमें सारे एटम्स को आपने कंबाइन करके लिखा है दैट इज़ अ कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि हाउ डू वी फॉर्म एन आइसोमर यूजिंग दिस होल स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पे देखें आपका जो कार्बन है यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स में आपने क्या करना है कि एक कोई कार्बन आइटम उठाकर हाइड्रोजन को लेट्स से छोड़ देते हैं हम। आपका जो नॉर्मल एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर था वो क्या था कि आपके पास 4 कार्बन आइटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप किसी एक कार्बन आइटम को उठाकर जो है वो किसी और कार्बन आइटम के साथ अटैच कर सकते हैं। अब आप कॉमन सेंस का यहाँ पे इस्तेमाल करें कि जब आप ये लास्ट वाला कार्बन आइटम उठा के कहीं लगाना चाहेंगे तो बजाय आप इसको लास्ट में लगाएं, आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है सो दैट आपकी एक ब्रांच बन जाए, आपने एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना है और ऐसे आपने ये कार्बन आइटम अटैच करना है सो कि आपकी एक ब्रांच जो है वो वहाँ पर जनरेट हो जाए, एक ब्रांच जो है वो वहाँ पर बन जाए। कैसे, अब यहाँ पर जो है ये जो कार्बन आइटम लास्ट कार्बन आइटम था, मैं क्या करूँगी इस कार्बन आइटम को उठा के इस सेंट्रल कार्बन आइटम के साथ जाके अटैच कर दूँगी, ठीक है। सो जो न्यू मेरा स्ट्रक्चर बनेगा, न्यू स्ट्रक्चर वहाँ मैं क्या करूँगी, जो कार्बन आइटम मेरा लास्ट में प्रेजेंट है मैं इसको उठा के सेकंड कार्बन पे ले जाऊँगी जो सेंटर में कार्बन आइटम प्रेजेंट है उसके साथ। ये 3 कार्बन आइटम कंप्लीट हो गए, लास्ट वाले कार्बन आइटम को मैं उठाकर लेकर जाऊँगी एन ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए सेकंड कार्बन आइटम के साथ ले जाऊँगी, तो मेरी ये एक ब्रांच चेन बन जाएगी। नज़र आ रही है, ये एक ब्रांच बन रही है, जैसे टी का स्ट्रक्चर होता है, टी लाइक स्ट्रक्चर है, ये टी की तरह का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया। सो दिस इज़ अ ब्रांच स्ट्रक्चर। मैंने इसको पोजीशन नंबर 1 या लास्ट पोजीशन पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं इस कार्बन आइटम को लेट से कि मैं इस कार्बन आइटम को उठा के यहाँ पर लेकर जाती, यहाँ पर अटैच करती, तो ये गेन एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है।
जहाँ पर आपकी कंटिन्यूटी आके डिसरप्ट हो जाएगी वो आपका एक ब्रांच स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर मैं इस कार्बन आइटम को उठा के फर्स्ट कार्बन आइटम के साथ ही अटैच कर देती तो मेरी ये यहाँ पर एक कंटिन्यूटी आ रही थी। अगर मैं इसी कार्बन आइटम को उठा के इस साइड वाले कार्बन आइटम के साथ अटैच कर देती तो अगेन यहाँ पर एक कंटिन्यूटी आ रही थी, ये एक स्ट्रेट चेन बनता जा रहा था। सो दैट इज़ वाई आपके पास यहाँ पर क्या है, आपने इस कार्बन आइटम को हमेशा एक ऐसी जगह पर अटैच करना होता है जहाँ पर आपकी कंटिन्यूटी ना रहे, जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी हो जाए। अब यहाँ पर देखें तो एक ये यहाँ से यहाँ इसकी तरफ भी मूव कर सकती है चेन, यहाँ से यहाँ भी चेन मूव कर सकती है। सो यहाँ पर टू पाथवेज आपको अवेलेबल हैं। दैट इज़ वाई यू आर अटैचिंग दिस कार्बन आइटम टू सच अ पोजिशन सो दैट अ ब्रांच कैन बी फॉर्म। हमेशा ब्रांचिंग के स्ट्रक्चर की तरफ आपने लेकर जाना होता है स्ट्रेट चेन से। नाउ वट आर यू गोइंग टू डू दैट यू हैव टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ दिस ईच कार्बन आइटम। जब भी आप आइसोमर बनाएंगे सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका आइसोमर्स बनाने के लिए होगा कि पहले आप ब्रांचिंग में लेकर जाएंगे कार्बन चेन को, ब्रांच द कार्बन चेन, कार्बन चेन कह लें या कार्बन आइटम्स कह लें। उसके बाद नंबर सेकंड क्या स्टेप होगा, दैट यू हैव टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे आपने, और उसके बाद थर्ड है आप उसको नेम करेंगे। नेम आपकी बुक में अभी के लिए उन्होंने जस्ट ऐसे ही बताए हुए हैं तो आप अभी याद कर लें, आगे जाके जब वो पूरा नॉमेनक्लेचर पे लेकर जाएंगे तो उस वक्त मैं आपको ज़्यादा डिटेल बताऊंगी। ब्रांचिंग सबसे पहले करनी है कार्बन आइटम की। आपके पास सिंपल एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर था दिस वन, आपने उसको क्या किया, आप उसको पहले स्टेप के अकॉर्डिंग आप उसको ब्रांच में लेकर गए। ब्रांच में इस तरह लेकर गए कि आपने लास्ट कार्बन आइटम को उठाकर ऐसे कार्बन के साथ अटैच करना है कि वो ब्रांचिंग की तरफ चला जाए। इसके बाद आप क्या करें, आप हर कार्बन आइटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करें। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ये कार्बन जो आपका वन दिस कार्बन आइटम वॉज फॉर्मिंग वन बॉन्ड विद दिस कार्बन आइटम, फर्स्ट वाला लेट्स से के मैं इसको नंबरिंग दे देती हूँ 1, 2, 3 एंड दिस वन इज़ माय फोर्थ वन। कार्बन वन जो है कार्बन टू के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सो आप इस कार्बन की सिर्फ एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, इसने थ्री और वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है। सो दैट उसके लिए क्या होगा कि ये थ्री साइड्स पे आपके पास हर हाइड्रोजन आइटम के साथ ये अटैच हो जाएगा। अब इस कार्बन वन की वैलेंसी देखें तो कम्प्लीट हो रही है 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली कम टू वर्ड C2 अब इस वक्त देखें थ्री बॉन्ड्स बना रहा है, कैसे, एक C1 के साथ, एक C3 के साथ और एक नीचे C4 के साथ। इसके पास सिर्फ एक ही स्पेस है जहाँ पर यह हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इस कार्बन टू की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है 1, 2, 3 एंड 4। नाउ मूव टूवर्ड्स कार्बन नंबर थ्री। कार्बन नंबर थ्री का सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा है C2 के साथ और यहाँ पर थ्री की जगह और प्रेजेंट है, तो इट इज़ सेटिस्फाइंग इट्स ओन वैलेंसी एज वेल 1, 2, 3 एंड 4। नाउ कम टूवर्ड्स कार्बन नंबर फोर। ये कार्बन नंबर फोर कार्बन टू के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा है, थ्री और की स्पेस है, तो अगेन क्या करेगा ये थ्री हाइड्रोजन्स के साथ अपने आप को कंबाइन करेगा, बॉन्ड करेगा और अल्टीमेटली इसकी भी फोर वैलेंसीज कंप्लीट हो जाएंगी 1, 2, 3 एंड 4। सो दिस इज़ हाउ अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज़ क्रिएटेड फॉर अ ब्रांच चेन। अब अगर मैं इसको अगेन कंडेंस्ड, या आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स पूरे हो गए, अब अगेन मैं अगर इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिखती हूँ तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं स्ट्रेट चेन बनाऊँगी, सॉरी ब्रांच चेन बनाऊँगी जो मेरी यहाँ पर बनी है, ये मेरी ब्रांच चेन बन गई। उसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई द वैलेंसी बाय राइटिंग डाउन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन द कंडेंस्ड फॉर्म। यहाँ पर C1 के साथ हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम्स वर अटैच्ड, थ्री हाइड्रोजन, सो मैं इसको लिखूंगी CH3। सेकंड कार्बन आइटम विद इज अटैच्ड विद वन हाइड्रोजन आइटम, द थर्ड कार्बन आइटम इज बॉन्डेड विद थ्री हाइड्रोजन आइटम एंड लास्ट कार्बन आइटम इज अगेन बॉन्डेड विद थ्री हाइड्रोजन आइटम। सो दिस इज बेसिकली द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द गिवन आइसोमर। ये आपका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला है और इसका जो नेम आपकी बुक में दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है आइजो ब्यूटेन, द बी शुड बी कैपिटल। आइजो जो है वो बेसिकली ब्रांच को शो करता है, ये बेसिकली आपकी ब्रांच को शो करता है, सो दिस इज एन आइजो ब्यूटेन।